उठ गया तू? चल बेटा नाश्ता कर। हो आलस तू पुड़े लवकर या हो। रिक्शा रोको। एजुकेशन जिसके पक्ष में हम आज भी नहीं है, जब भी कभी कोई बच्चा इसके बारे में पूछता है तो हम उसे डराकर मारकर चुप करा देते हैं ये कहकर कि ये गंदी बात है। हर माँ बाप को इतना सतर्क होना चाहिए कि वो एक सही उम्र में अपने बच्चों को इसके बारे में जानकारी दें, वरना जिन तरीकों से वो जानकारी हासिल करते हैं वो तरीके समाज और खुद उस बच्चे की जिंदगी को जुर्म और हादसों से भर सकते हैं। नीलेश भी इसी अनदेखी का शिकार था, आखिर उसके जीवन पर इसका क्या असर होने वाला था? बहुत अच्छे बनाए पोहे। पोहो खरच सर्व या मुलीच्या हाताला। सब आता है हमारी सुप्रिया को। हमें तो पसंद है आपकी बेटी, बस अब बच्चे एक दूसरे से बात कर ले तो अच्छा है। सुप्रिया नीलेश को घर नहीं दिखाओगे? वो मतलब आप खाने में क्या पसंद करते हैं? कुछ बोल ही नहीं रहे, आपके बारे में कुछ बताइए। हमारे यहाँ आज भी शादी जैसे अहम फैसले ज्यादातर 20 मिनट की मुलाकात में लिए जाते हैं, जहाँ ये पता लगा पाना भी मुश्किल होता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या चाहता है। सुप्रिया एक सीधी सादी लड़की थी और नीलेश घाट के उसके लिए औरत एक उत्सुकता थी और ये उत्सुकता उसके अंदर पॉर्न फिल्म्स देखकर पैदा हुई थी। सुप्रिया नीलेश की जिंदगी में आने वाली पहली लड़की थी जिससे वो बिना रोक टोक मिल सकता था, लेकिन सुप्रिया से बिना रोक टोक मिलने के इस अधिकार को नीलेश किसी और ही तरह से देख रहा था। अरे विशाखा। हाँ जीजू। सुप्रिया कहाँ पे? सुप्रिया ताई अंदर तैयार हो रही है। वो क्या है ना कि आज आप दोनों पहली बार बाहर जा रहे हो ना, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। अच्छा, उसके लिए ये मैं गजरा लाया हूँ। गजरा तो जाके दे दो ना। हाँ ठीक है। क्या कर रहे हो?
मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम्हारे लिए ये गजरा लाया हूं। मैं पहना हो तो चलेगा? पकड़ो मुझे, आगे रास्ता खराब है, गिर जाओगी। नहीं ठीक है, पकड़ो। अरे बाबा ऐसे नहीं, कसकर पकड़ो। सब ठीक है, निकले। देखिए कैसे चिपक के बैठी थी। अरे अभी चिपकने दे उसको जितना चिपकना, मगर बाद में तो मेरी याद लगेगी ना। सीधे सीधे मेरे हाथ नहीं लगी ना, तो उठा के ले जाऊंगा मैं उसको। नीलेश ये कौन सी जगह है? नीलेश मुझे यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा है। अरे तुम्हें कुछ दिखा रहा है, देख के बहुत मजा आएगा। नीलेश नीलेश सुनो ना। अरे क्यों डर रही हो, मैं हूं ना। घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी, चलो ना चलते हैं घर। अरे तुम कितने डरपोक हो, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। चलो हम वहां बैठते हैं। चलो अरे चलो। नीलेश नीलेश, अरे ये हम कौन सी अजीब सी सुनसान सी जगह आए हैं, कहां लेके आए हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरो मत, मैं हूं ना। ये देखो ठीक। अरे ठीक है, शादी के बाद यही करना है हमें, देखो ना। नीलेश ये बहुत गंदा, मुझे नहीं देखना। देखो प्लीज प्लीज चलो यहाँ से। अरे क्या से? चलो चलो लगा रखा है, देखो ना मस्त है ना। नीलेश नीलेश देखो ना, देखो। नहीं नहीं प्लीज, देखो ना नीलेश, नहीं प्लीज, नहीं नीलेश, नहीं प्लीज नीलेश, नहीं। अरे जो जोड़ के रखा था ना, उसे कुछ नहीं हो पाएगा, वापस लोन लेना पड़ेगा। पहले 3 लोन चल रहे और लोन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। अरे जुड़ो को फिर लेगा बिंडो, बिना पैसे के कुछ हो पाएगा? इस बार शादी टूट गई ना तो वापस रिश्ता मिलना मुश्किल हो जाएगा। अरे बेटी है, जिंदगी भर बोझ बन के रह जाएगी। इस बार पहले जैसा बोल रही है। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। तेरे बाबा ने सुन लिया ना तो गजब हो जाएगा बेटा, चुप हो जा। आई पर कुछ नहीं बेटा, आजकल शादी के पहले ये सब होता है। हाँ यार कुछ मजा नहीं आया, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मजा नहीं आया। वो सुप्रिया बहुत डर गई थी यार, उसे समझाने उसे चुप कराने बहुत टाइम गया। अरे यार तो टेंशन क्यों ले रहे हैं? हो जाएगा, तुझे सीखना और सिखाना भी पड़ेगा। मतलब एक मिनट, ये देख, ये दिखा उसको, सेक्स का नया पेंद्र है बॉस, फिर देख जलवे जलवे। ऐसा भी होता है? ने तो कहा था आई बाबा से मिलाने ले जा रहे हैं, फिर ताला क्यों है? वो आ जाएंगे अभी, तुम पहले अंदर चलो। लेकिन सरप्राइज है तुम्हारे लिए, चलो आओ। बगना
मस्त है ना? ये क्या है? ये आप मुझे क्या दिखा रहे हैं? अरे देखोगी तब पता चलेगा ना क्या है ये। नीलेश ये सब गंदा है, मुझे नहीं देखना। अरे शादी के पहले सब लोग देखते हैं ये। देखो ये देखो। नीलेश आप अरे, क्या कर रहे हैं? मैंने कहा ना। अरे अरे एक मिनट ये देखो, बंद किया बस। अरे पहली बार घर पे आई हो, पूरा घर तो देख लो। चलो मैं अपना बेडरूम दिखाता हूँ। आपने दरवाजा क्यों लॉक किया? अरे डरो मत, शादी के बाद ये हमारा बेडरूम होगा। बेडरूम में क्या क्या होता है पता है ना? सो के देखो। क्या मतलब बेड अच्छा है कि नहीं ये देखो। देखो अच्छा है। ऐसे नहीं, सो के देखो। देखो ना, देखो। ये क्या कर रहे हो आप? नहीं, प्लीज, आप क्या कर रहे हैं नीलेश? नीलेश नहीं, प्लीज आप क्या कर रहे हैं नीलेश? नीलेश नहीं, नीलेश नहीं। डरो मत, हमारी शादी होने वाली है। शादी होने वाली है, हुई नहीं है अभी तक। नीलेश प्लीज शादी तक रुक जाओ, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज प्लीज नीलेश, प्लीज नीलेश, प्लीज नीलेश, प्लीज मुझे छोड़ दो। ये देखो हमें ये करना है, चिल्लाना मत। नहीं 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 नीलेश प्लीज। सॉरी मैं थोड़ा बहक गया था। ये लो कपड़े पहन लो। ये तो होता ही है, मेरे सारे दोस्तों ने किया है। चलो कपड़े पहन लो, चलो पहले बाहर जाइए, तभी मैं कपड़े पहनूंगी। अरे मुझसे क्या शर्माती हो, मैंने तो सब कुछ देख लिया है। चलो जल्दी कपड़े पहन लो, चलो उठो। कल 2 बजे तक आता हूँ, तैयार है ना? कुछ और नया लेकर आऊंगा, ठीक है? चलो बाय, मिलते हैं कल। बाय। बहुत खुश लग रही है, या सिर्फ खुश होने का नाटक कर रही है? क्योंकि मुझे तो उसमें ऐसा कुछ दिखा नहीं। बच्चे तमाशा मत बना, बाबा ने अगर सुन लिया ना तो हट जा मेरे रास्ते से। सुप्रिया देख तो पल्ले भी आई है। सुप्रिया, पल्लवी, सुप्रिया कैसी है? ठीक हूं। सुप्रिया कुछ प्रॉब्लम है? सुप्रिया पल्लवी ले, तुझे मेरी हाथ की पूरन पोली अच्छी लगती है ना? हाँ। सुप्रिया ऐसा देखा गया है कि जिस चीज या बात से दूर रहने को कहा जाए अक्सर उसे जानने की उत्सुकता और बढ़ जाती है। ये उत्सुकता कब भूख में बदल जाती है पता ही नहीं चलता, और नीलेश की इसी भूख का शिकार हुई थी सुप्रिया। और जब सुप्रिया ने इस बारे में अपनी माँ से बात करने की कोशिश की तो माँ ने उल्टा उसे ही चुप करा दिया। माधवी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि यह खामोशी कितने भयानक जुर्म को जन्म देने वाली थी। समय बीतता गया और अब शादी में सिर्फ 2 ही दिन बचे थे, लेकिन ये कहानी किसी और ही मोड़ की तरफ मुड़ गई। शादी को 2 ही दिन बचे थे तो ये दोनों भागे क्यों घर से? पता नहीं सर। इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि नीलेश इस शादी से खुश नहीं था। फालतू की बात मत करो, तुम लोग ही नहीं चाहते थे कि शादी हो। झूठ मत बोलो बबन राव, असलियत तुम्हें भी पता है। क्या असलियत? हाँ, नीलेश ने तो कभी नहीं कहा था कि वो शादी नहीं करना चाहता था। तुमसे नहीं कहा था पर हमें तो पता था। एक बात याद रखो, अगर मेरे बेटी को कुछ हुआ ना तो। एक मिनट, क्या हो रहा है ये? हाँ क्या हो रहा है? ये पुलिस स्टेशन है, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे। आपस में झगड़ा करने से अच्छा है आप जाके अपने बच्चों को ढूंढो।
और कोई खबर मिलती है तो हमें इन्फॉर्म करो, हमें अपना काम करने दो। आप लोग जाओ। शिंदे, ये लोग कह तो रहे थे कि शादी करवा रहे थे, लेकिन इनकी बातों से मुझे लगता नहीं है। एक काम करो, नीलेश और सुप्रिया के मोबाइल रिकॉर्ड निकालो और उनकी लोकेशन ट्रैक करो। नीलेश को प्रॉब्लम थी तो किसी को तो बताएगा ना उसने? घर में बताया था उसने। भवन राव ने हमसे बहुत सारी बातें छुपा कर रखी थी। क्या पागल हो गया है? दो दिन बचे हैं शादी को, आज तुझे समझ में आया कि शादी नहीं करूंगा? एक दुगल के नीचे वो क्या कह रहा है, सुन तो लो। अभी क्या सुन रहा है इसका? आ, दादा तू थाम ना, मैं पूछता हूँ उसको। नीलेश तू आ मेरे साथ। काका मैं उसे, आ तो सही। काका इससे पहले भी उसकी शादी कहीं तय हुई थी, एक दिन पहले लड़के वाले ने उसकी शादी तोड़ दी और उन्होंने हमें बताया भी नहीं। तो इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, शादी हुई तो नहीं थी ना? काका शादी टूटना छोटी बात है क्या? काका उसके बारे में बहुत किस्से सुनने को मिले मुझे। एक टाइम वो तीन तीन लोगों के साथ घूमती है। काका बहुत चैप्टर है वो। इसके अलावा भी और बहुत कुछ था। शादी उसकी मर्जी से हो रही थी या फिर जबरदस्ती कर रहे थे? खुश थी, बहुत खुश थी। मैंने कभी उसे उदास नहीं देखा साहब। हो सकता है किसी और से शादी करना चाह रही हो, लेकिन आपके प्रेशर में बता नहीं पाई। कोई अफेयर था उसका? नहीं सर, मेरी बेटी बिल्कुल ऐसी नहीं थी। वो एकदम सीधी है, वो कभी घर से बाहर भी नहीं जाती थी। वो का नहीं मालूम। आपसे कुछ तो कहा होगा उसने। उनको मत देखिए, उससे बात कीजिए। क्या बोली थी वो? प्लीज माला जरा समझूंगे ना, प्लीज मुझे उनसे शादी नहीं करनी। बेटा तेरी एक शादी टूट चुकी है, अगर ये दूसरी शादी भी टूट जाएगी ना तो सारी जिंदगी घर पर बैठना पड़ेगा। चलेगा मुझे? पर हमें नहीं चलेगा। बेटा तेरी छोटी बहन भी है, कल उसकी शादी भी मुश्किल हो जाएगी। तो ये उसकी दूसरी शादी थी? उसकी पहली शादी शादी के एक दिन पहले ही टूटी थी, इसीलिए आप लोग उसकी शादी जबरदस्ती करवा रहे थे। नहीं साहब, सब देखने समझने के बाद हम ये शादी तोड़ रहे थे, और यही बात बताने हम बबन राव के घर भी गए थे। अरे क्या मजाक बना के रखा है क्या? दो दिन पहले आके बोलोगे शादी कैंसिल तो कैंसिल। हमें बिरादरी में अपना मजाक उड़वाने का कोई शौक नहीं है। अब नीलेश की शादी तुम्हारी बेटी से नहीं हो सकती। अगर मेरी बेटी की शादी नहीं हुई तो तुम एक बात याद रखना, तुम्हारे बेटे को भरे बाजार में चिर के रख दूंगा। हो सर, दिली होती धमकी। आप ही बोलो, कोई आपके घर में आए, आपकी बेटी की बदनामी करे, दो दिन पहले आके आपकी बेटी की शादी तोड़ने की बात करे, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा क्या? तो इसी गुस्से में तुमने उसको गायब कर दिया? गायब कर दिया या मार डाला? कहाँ मारा, कब मारा? नहीं साहब, ये तो मैंने गुस्से में बोला था, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसकी टेंशन मत लो, वो बात हम पता कर ही लेंगे। सुप्रिया आखिरी बार बाहर कब गई थी? कुछ बताया था उसने? कहाँ जा रही है? हाँ, शादी से दो दिन पहले शाम को 7 बजे निकली थी, कह रही थी नीलेश से कुछ जरूरी काम है। नीलेश और सुप्रिया बिना अपनी खुशी के इस रिश्ते में बंधने जा रहे थे, बिरादरी में अपने परिवार की इज्जत बनाए रखने के लिए। हमारे समाज में आज भी ऐसी कई शादियां होती हैं जो सिर्फ परिवार की खुशियों के लिए की जाती हैं। नीलेश और सुप्रिया दोनों अचानक ही गायब हो गए या कर दिए गए, मर गए या मार दिए गए, दोनों अलग अलग भागे थे या फिर एक साथ? सवाल बहुत सारे थे लेकिन जवाब एक भी नहीं। और तभी एक उम्मीद जगी। पुलिस को नीलेश के फोन की लोकेशन के बारे में पता चला जहां वो आखिरी बार ऑन था, और उसमें एक चौंकाने वाली बात सामने आई। इसको पहचानते हो? देखा है या? आते रहता है, कल रात को भी आया था। बहुत लोग आते हैं साहब, रेगुलर कस्टमर तो ये नहीं है, लेकिन सर कभी कभार आने वालों में से रहेगा तो पहचानना मुश्किल है सर।
ये सीसीटीवी शोपी से या काम भी करता है? करता है ना साहब। देखो डरो मत, तुम्हारी बहन जो है वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, और अगर तुम हमें उसके बारे में कुछ भी बताती हो तो ऐसा करके तुम अपने बहन की ही मदद कर रही हो। अजय भोसले इसी मोहल्ले में रहता है, बहुत सालों से ताई को बहुत परेशान कर रहा है। उस दिन जब जीजू ताई को घर छोड़ रहे थे तो देख सुप्रिया, एक बार फिर सोच ले। अजय तुझे समझ में आ रहा है, मेरी शादी होने वाली है उससे। अभी तो जा रहा हूं, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा तुझे। कहां रहता है अजय भोसले? सर सीसीटीवी फुटेज में कहीं नहीं दिख रहा है। अब तो एक ही जगह बची है। इस मशान की देखभाल तुम करते हो? हो सर। इस लड़के को देखा है? नहीं सर। पिछले 3-4 दिनों में कितनी चिताएं जली यहाँ पे? 2 चिता जली सर, एक बुड्ढा था और एक लड़की थी। लड़की? क्या उम्र होगी? 24-25 साल। नाम पता तो रजिस्टर में होगा ना? हो आए ना सर। चल रजिस्टर लेके आ। हो सर। बिना मेडिकल सर्टिफिकेट कभी कोई लाश जलाई है? अरे नहीं साहब, लकड़ी का हिसाब देख लो, एक एक लकड़ी का हिसाब रखा है। ठीक है ठीक है। गावड़े राख के सैंपल कलेक्ट करो। बोल। साहब साहब मैं उससे प्यार करता था, शादी करना चाहता था, उसने कभी मुझे हाँ नहीं बोला साहब। उस दिन की मेरी हरकत के बाद माँ ने मुझे दूसरे गांव काका के यहाँ भेज दिया था। माँ को बबन राव के साथ कोई लपड़ा नहीं चाहिए था, वो थोड़ा अकड़ू टाइप का है, पर साहब मैं सच बोलता हूँ, इधर था ही नहीं साहब। मनसोड़े इसका मोबाइल नंबर ले और कल रात की इसकी लोकेशन चेक कर। सर सर स्मशान से एशेस के जो सैंपल हमने लिए थे उसकी रिपोर्ट आ गई है। सुप्रिया और नीलेश के डीएनए से मैच नहीं कर रही है सर। सुपन के रजिस्टर में जो नाम थे उन्हें हमने क्रॉस चेक किया, सुपन सच बोल रहा है सर। सुप्रिया और नीलेश को गायब हुए लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था, लेकिन पुलिस अब भी वहीं खड़ी थी जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। शक के दायरे में जितने भी लोग थे वो सब बेकसूर लग रहे थे। सोपान के खिलाफ शमशान की अस्थियों के सैंपल से कुछ हासिल नहीं हुआ, और अजय वारदात के दिन शहर से बाहर था। छानबीन को एक दूसरी दिशा देने के लिए पुलिस ने अपना रुख अब करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों की तरफ किया, और वहां से जो जानकारी हासिल हुई वो सचमुच चौंका देने वाली थी। हाँ साहब, कोई लड़की उसकी दोस्त नहीं थी बचपन से, तो उसने वीडियोस देखे फिर तो वो पागल ही हो गया। सेक्स का नया पेंद्रा है बॉस, फिर देख। और शादी का मतलब भी उसके लिए यही था कि वो शादी मतलब क्या? नीलेश का कमरा कहाँ है? ऊपर। चेक करो। ठीक से चेक करो। ये क्या हो रहा है इंस्पेक्टर साहब, कुछ गड़बड़ है क्या? अभी पता चलेगा। ये देखिए सर, सर फोन साइट्स और ऑनलाइन साइट के लिए पेमेंट भी की गई है, और ये जो आप लिंक्स देख रहे हो ना, ये फोन वीडियोस के लिंक्स हैं। लगता है ये लड़का फोन साइट देखने के अलावा लैपटॉप का कुछ यूज ही नहीं करता था। क्या कर रहा है? अब्बे साला बस चल। नीलेश नौकरी। हेलो बाबा। सुप्रिया तुम्हारी सहेली है,
तब तो तुम्हें उसकी बहुत सारी बातें मालूम होंगी, क्योंकि जो बात हम अपनी फैमिली से नहीं कह सकते वो दोस्तों से जरूर शेयर करते हैं। सुप्रिया को डाउट था। कैसा डाउट? हम दोनों लास्ट वीक डॉक्टर सरिता जोशी के क्लिनिक गए थे। क्यों? सुप्रिया को लग रहा था कि शायद वो प्रेग्नेंट है। सॉरी इंस्पेक्टर, हम अपने पेशेंट की कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते। डॉक्टर, सुप्रिया पिछले दो हफ्ते से गायब है और हो सकता है कि आपके इस रिपोर्ट से इस केस में हमें कोई बड़ी लीड मिल जाए, हम उसे ढूंढ पाए और उसे बचा पाए। हाँ, वो आई थी हमारे पास टेस्ट करवाने और उसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव है, मतलब वो प्रेग्नेंट है। क्या बोल रहे हैं आप? जब पता नहीं लगा पाए तो ऊपर से झूठी बात फैला रहे हो उसके बारे में। पॉसिबल है, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि तुम्हें पता चल गया था कि तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट है, इसीलिए तुमने उसको गायब कर दिया या फिर उसको मार डाला। ये एंगल कैसा है? तुम इज्जतदार लोगों की नाक बात बात पे कटती रहती है और उस नाक को बचाने के चक्कर में तुम लोग किसी की भी जान ले सकते हो, भले वो तुम्हारी अपनी बेटी क्यों ना हो। सुप्रिया और निलेश को लापता हुए लगभग 20 दिन हो चुके थे, लेकिन वो दोनों आखिर गए कहां? वो जिंदा भी थे या नहीं? और सुप्रिया के पेट में जो बच्चा था वो किसका था? सवाल पहले से भी ज्यादा थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। पुलिस को बहुत बड़ी राहत मिली जब 20 दिनों के बाद निलेश का फोन ऑन होने की खबर आई। तो क्या निलेश अब पुलिस की गिरफ्त में आने वाला था या फिर पुलिस की मुश्किलें और बढ़ने वाली थी? सर, सर निलेश का मोबाइल ऑन हुआ है, लोकेशन मुंबई दिखा रहा है। तुम गावड़े को साथ ले लो और मुंबई के लिए निकलो। साहब, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं, पर ये मोबाइल है ना, एक टेम्पो ड्राइवर ने लाके बेचा था, वो एक थैली में लाया था। वो थैली है आपके पास? हाँ साहब। कोल्हापुर, कोल्हापुर का एड्रेस भी है। और कुछ याद करो, कोई खास बात? कुछ खास नहीं साहब, कोल्हापुरी मराठी में बात कर रहा था। गावड़े, कोल्हापुर में रहने वाले जितने भी टेम्पो ड्राइवर है सबका बायोडाटा निकालो, आरटीओ से डिटेल निकालो, टेम्पो यूनियन में जाके पूछताछ करो। कोल्हापुर में रहने वाला मराठी ड्राइवर है, टेम्पो का मेक 407, जल्द से जल्द रिपोर्ट निकालो। ओ साहब, कौन था इसमें से? क्या कशाला घुस राव, माल टाकला नहीं मी तुझा? अरे तुला माल पाहिजे का मी? साहब ये था। पटपट बोलायचा, ज्यादा शाना बनने की कोशिश मत कर, बोल। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं परसों माल लेके मुंबई गया था, वहां से लौटते टाइम वो मोबाइल मेरे टेम्पो में पाया मैंने सर, मुझे लगा 200-400 रुपया उसका आ जाएगा। कोल्हापुर मुंबई कौन से रोड से गया था? साहब सरोज ढाबा कोल्हापुर हाईवे से। सरोज ढाबा कोल्हापुर हाईवे। सर, सबके मोबाइल लोकेशन ट्रेस किए, जिस वक्त टेम्पो ड्राइवर सरोज ढाबे पे था उस वक्त सोपान का मोबाइल लोकेशन भी वही था। चल बोल। साहब मैं वहां बहुत बार जाता था, वो शराब पीने के लिए। आपको चाहिए तो आप बार के मालिक से पूछ लो ना, मैं झूठ नहीं बोलता साहब। ये ऐसा नहीं बोलेगा, लेकिन ये तो तय है कि इसका कुछ ना कुछ कनेक्शन है इस केस के साथ। इन्हें काम करो, उसे ऐसा फील कराओ जैसे हमें उसकी बात पे यकीन हो गया है, और उसे छोड़ दो, अगले 24 घंटे उस पर कड़ी नजर रखो। ओके सर।
सर ये सोपान बहुत पहुंची हुई चीज लगता है। अब तक शमशान की लकड़ियां जो ब्लैक में बेकरी वाले को बेच रहा था किसी को खबर नहीं थी। शिंदे इसका मतलब आज तक जो लकड़ी का रिकॉर्ड उसने दिखाया वो सब झूठ था। अब जाके ये केस सही रास्ते पे आ रहा है। तुम सोपान से क्या चक्कर चल रहा है तुम दोनों के बीच में? कोई चक्कर नहीं है सब। ऐसे पहले भी बहुत सच बोला है तूने। चक्कर नहीं है तो इतनी सुनसान जगह क्यों मिल नहीं आई? किसी को शक ना हो इसीलिए ना। क्या लगती है वो तेरी बीबी तो नहीं है? तो फिर क्या है? भाई, भाई है वो मेरा। मुंह बोली बहन है सब। हम दोनों एक ही गांव के हैं। तो कांड भी एक साथ ही किया होगा तुम दोनों ने। कैसा कांड साहब? नीलेश को सोपान ने मारा ना? मुझे नहीं मालूम साहब, मुझे कैसे मालूम होगा? सर, माधवी ने सारा कन्फेस कर लिया है और उसने ये बताया है कि सोपान ने ही मारा है नीलेश को। तेरी मुंह बोली बहन ने तो सब बता दिया। यहां तक बताया कि कैसे प्लान करके इसने मारा। झूठ बोल रहे हैं साहब, मैंने नहीं मारा साहब। तूने नहीं मारा तो क्या उसने मारा है? सब मैंने कुछ नहीं किया सब, उसे ने मारा है सब। उसने सुप्रिया के साथ शादी से पहले ही आई, उसने मेरे साथ जबरदस्ती की। वो जब भी मिलता है यही करता है और बोलता है कि शादी से पहले सब लोग यही करते हैं। आई आई मुझे लगता है कि हमें ये सब पुलिस को बता देना चाहिए। चुप कर, धीरे बोल। तेरे बाबा ने सुन लिया तो? तेरे बाबा का मरा मुंह देखना चाहती है आई? पुलिस में जाने के बारे में सोचना भी मत, समझी? वो प्यार से मानने वालों में से नहीं था साहब। अरे बेटा तुम? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सुप्रिया तो घर पर नहीं है, तुम्हारी बात नहीं हुई थी उससे? ऐसे क्या देख रहे हो? आपको देख रहा हूँ। उस दिन भी आपको देखा था जब आप कपड़े चेंज कर रही थी। मैं चाय बना के लाती हूँ। आपके लिए मैं कुछ लाया हूँ, वो एक बार देख लो। मुझे कुछ नहीं देखना, तो निकल जा यहाँ से। देखना तो पड़ेगा ही, नहीं तो मैं शादी कैंसिल कर दूंगा। देखो देखो, ये तो मेरी सुप्रिया है। ये क्या किया तुझे उसके साथ? दे मुझे, दे मुझे, मुझे दे। अरे बस,
इतना क्यों शोर मचा रहे हो? आपके लिए तो लाया हूँ मैं। नीलेश, ये वीडियो क्यों बना रहे हो? नहीं नीलेश, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज। बस अब मैं जो चाहता हूँ वो मुझे दे दो। आपको जो चाहिए वो मैं आपको दे दूंगा। तू निकल जा यहाँ से, वरना मैं शोर मचा के सबको बुला लूंगी। निकल। अरे सुनो तो पहले। निकल। अरे बस। अच्छा बाबा, कल आता हूँ बस। लेकिन कल मुझे जो चाहिए ना वो नहीं मिला ना तो ये फिल्म सारा शहर देखेगा। अगले दिन वो फिर आया, पर इस बार वो अपने दोस्तों को साथ लाया था। तो क्या सोचा आपने, मैं अंदर आऊं या फिर मेरे और सुप्रिया की ये वीडियो सबको दिखाऊं? तुम क्यों कर रहे हो ये सब? वो तुम्हारी होने वाली बीवी है। मुझे ज्ञान, भाषण ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। अच्छा मत मानो मेरी बात। हाँ अरे कैलाश, तूने नई वीडियो देखी है? देखो देखो मजा आएगा। देखो रुको, उसने मेरा भी फायदा उठाया सब। उसके बाद रोज आने लगा। एक क्राइम की रिपोर्ट पुलिस में करने के बदले कानून को अपने हाथ में लेना तुम्हें ज्यादा आसान लगा, क्यों? क्योंकि उसने क्या सारा दिन किताबों में घुसी रहती हो? चलो कहीं घूम के आते, मेरे पास कुछ ऐसा है ना जो देखकर तुम्हें बहुत मजा आएगा। बबनराव को बता क्यों नहीं देती? नहीं बता सकती मैं दादा, अगर इस बार सुप्रिया की शादी टूटी तो वापस नहीं हो पाएगी। शादी होने के बाद वो सुधर जाएगा, इसका क्या भरोसा है? ये सब तो मैंने सोचना भी छोड़ दिया है। मुझे अब बस यही चिंता है कि कहीं वो विशाखा को भी। तुम्हें उस वीडियो की वजह से डर लग रहा है ना? अगर हमने उसका मोबाइल छीन लिया और उसमें से वो वीडियो मिटा दिया तो हाँ बोला। आज हम मेरे भाई के घर पर ही मिलेंगे, वो दो दिन के लिए बाहर गया है और घर खाली है। और विशाखा, वो आज भी नहीं आए तो? नहीं नहीं, वो भी आएगी ना मेरे साथ। अच्छा तो ठीक है। विशाखा देख, अरे मोबाइल देख, घोड़े सु मोबाइल देख, अरे छोड़ो। लड़की कहाँ है? सुप्रिया, सुप्रिया को मैंने सोलापुर में अपनी बहन के यहाँ भेज दिया था। आपने क्यों मारा उसे? लड़की को बहन के यहाँ भेज दिया और नीलेश को यहाँ मारा? तुमने सुप्रिया की शादी के लिए ये सब बर्दाश्त किया, वो तो नहीं हो पाई और बदनामी भी हो गई, पूरा परिवार तबाह हो गया। नीलेश को तो सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन
ऐसे नहीं जैसे मिली। बेटी आज भी हमारे यहां बोझ है, जिसे दूसरे घर भेजने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। माधवी को सुप्रिया की बात मानकर पुलिस के पास जाना चाहिए था। निलेश जितना बड़ा गुनहगार था, उतनी ही बड़ी गुनहगार माधवी भी थी, क्योंकि जुर्म करने से बड़ा जुर्म है जुर्म सहना। और फिर माधवी ने जो किया वो भी सही नहीं था, क्योंकि जुर्म का जवाब कभी भी जुर्म से नहीं दिया जा सकता। अगर सही वक्त पर पुलिस की मदद ली गई होती तो शायद आज तस्वीर कुछ और ही होती। जुर्म का जवाब जुर्म से देने की बजाय कानून का सहारा लें, क्योंकि क्राइम नेवर पेज। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।